भर्ती दो, भर्ती दो, एमपी प्लस की भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, एमपी प्लस की भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, एमपी प्लस की भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, एमपी प्लस की भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, एमपी प्लस की भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, और ये बोलेंगे वापस एनआरए वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, 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 एमपी प्लस की भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, एमपी प्लस की भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की, एमपी प्लस की भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, एमपी प्लस की भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, दूर 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 सब फैल जाओ, फैल जाओ, डिस्टेंस रखना, दूर दूर हाथ उठाओ, हाथ जय जो छात्र 3 साल से 4 साल से मध्य प्रदेश बीजे की तैयारी कर रहे हैं वो अगर नेशनल में जाएगा तो मेहनत उसके कितना आएगा, उसके लिए 5 नंबर का आएगा, उसको खत्म हो जाएगा। पहले भी उसमें एक अलग से कोटा रहता था अदर स्टेट के लोगों का, अब तो ये ऑल ओवर इंडिया हो गया, तो अब वो कोटा वो भी हो गया। हम लोगों का तो पहले ये रहता कि 10% आरक्षण था अदर स्टेट के लोगों का, लेकिन अब वो ऑल ओवर इंडिया होने से सर और नुकसान हो गया ना हम लोगों को। लगता है कि मोदी जी आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं बेटा देश को, अरे आत्मनिर्भर थोड़ी हुआ सर, सरकार हम पर निर्भर है और हमें आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। सब लोग सक्षम नहीं है ना सर, नौकरी के अलावा सब लोग बिजनेस करने के लिए सक्षम नहीं है ना सर, हम लोग थोड़ी बिजनेस करते हैं। आप आज जीडीपी हिंदुस्तान की 0.19% माइनस माइनस, जब से देश आजाद हुआ या अंग्रेजों के जमाने में जब हम देश सौंपा था उस समय भी माइनस नहीं थी। आज आज हो क्या गया कि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो शासन में, सर युवा पूरी तरीके से नाराज हो चुका है। IAS IPS ऑफिसर जो कुछ बनाते हैं पॉलिसी उनकी बात उन्हें भी मानना किसी जरूरी है, जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं कैसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं कि बड़ी बड़ी आम समा करके डिग्री बता रहे कि हम पढ़ लिखे वापस लो।